सनी देओल और शाहरुख खान की डर मूवी की 16 ऐसी बातें जो शायद ही आपने सुनी होंगी। नंबर 1, इस फिल्म के लिए जब कास्टिंग की बात चल रही थी तो उस टाइम पर सनी देओल शाहरुख खान से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, क्योंकि वो इसके पहले भी काफी सारी हिट फिल्में दे चुके थे और शाहरुख खान ने बॉलीवुड में नया नया ही अपना कदम रखा हुआ था। उनकी कुछ ही फिल्में रिलीज हुई थी जैसे दीवाना, दिल आपका है, चमत्कार और राजू बन गया जेंटलमैन, जो कि कुल मिलाकर एवरेज फिल्में थी। तब फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने सनी देओल को दोनों रोल ऑफर किए थे। बीइंग अ सीनियर, उन्हें बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली थी, या तो वो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते थे या वो नेगेटिव रोल प्ले कर सकते थे। तो सनी देओल ने फिल्म के लिए पॉजिटिव रोल चूज किया। एज यूजुअल कोई हीरो यही करेगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये रोल उनके करियर को और इम्प्रूव करेगा। लेकिन जब फिल्म बन गई और रिलीज हुई तो शाहरुख खान की परफॉर्मेंस की तारीफ सनी देओल की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा हुई, जबकि शाहरुख खान इसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे। नंबर 2, यश चोपड़ा को इस टॉपिक पर फिल्म बनाने का बेसिक आइडिया ऋतिक रोशन और यश चोपड़ा के बेटे उदय चोपड़ा ने दिया, जब इन दोनों ने सन 1989 में आई एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म डेड काम देखी और बाद में इस फिल्म के लिए टाइटल भी ऋतिक रोशन ने ही यश चोपड़ा को सजेस्ट किया था। नंबर 3, ऋतिक रोशन ने यश चोपड़ा को डर टाइटल सजेस्ट तो कर दिया था, लेकिन इस टाइटल को बॉलीवुड के फेमस हॉरर फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने अपनी एक हॉरर फिल्म के लिए बुक कर लिया था, लेकिन बाद में यश चोपड़ा की रिक्वेस्ट पर उन्होंने यश चोपड़ा को ये टाइटल दे दिया। नंबर 4, इस फिल्म में शाहरुख खान के रोल के लिए सबसे पहली चॉइस थे संजय दत्त, लेकिन संजय दत्त सेम ऐसा ही नेगेटिव कैरेक्टर अपनी 1993 यानी कि 1993 में आई फिल्म खलनायक में भी कर रहे थे, जिस कारण से उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। और बाद में संजय दत्त ने बताया कि उन्हें फिर से एक बार यश चोपड़ा के साथ काम करने का मौका मिला था, लेकिन फिर 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट के केस में संजय दत्त को कई बार कोर्ट में जाना पड़ा, जिस कारण वो दोबारा से यश चोपड़ा के साथ काम नहीं कर पाए। नंबर 5, इस फिल्म में शाहरुख खान वाले कैरेक्टर के लिए आमिर खान से भी पहले बात की जा रही थी, लेकिन आमिर खान इसके पहले भी यश चोपड़ा के साथ 1993 में ही आई एक फिल्म परंपरा में काम कर चुके थे और परंपरा में वो यश चोपड़ा के द्वारा दिए गए कैरेक्टर से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने डर फिल्म में काम करने का मन बना लिया था। आमिर खान डर फिल्म में भी अपने कैरेक्टर के रोल में कुछ बदलाव करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लास्ट वाला सीन थोड़ा चेंज कर दिया जाए, जिसमें सनी देओल का कैरेक्टर इनके कैरेक्टर को बहुत घूंसे मारता है। आमिर खान चाहते थे कि यश चोपड़ा इन दोनों रोल को सनी देओल और आमिर खान को एक साथ बैठाकर बड़ी डिटेल से बताएं, लेकिन यश चोपड़ा ने आमिर खान को ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो दोनों को बैठा के एक साथ रोल बताएंगे तो इनके बीच रोल को लेकर फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इन सब प्रॉब्लम के बाद आमिर खान ने फाइनली इस फिल्म को छोड़ दिया। नंबर 6, फिल्म की कास्टिंग के दौरान शाहरुख खान वाले कैरेक्टर के लिए अजय देवगन, अक्षय कुमार और सुदेश बेरी से भी बात की जा रही थी, लेकिन वो भी डेट की कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये कैरेक्टर प्ले नहीं कर पाए थे। साथ ही साथ सनी देओल वाले कैरेक्टर के लिए पहले ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती से भी बात की गई थी, लेकिन वो भी इस कैरेक्टर के लिए अपनी डेट्स नहीं दे पाए थे। नंबर 7, जब इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर के लिए कोई भी एक्टर काम करने के लिए तैयार नहीं था, तब ऋषि कपूर ने यश चोपड़ा को शाहरुख खान का नाम सजेस्ट किया था, जिसके साथ पहले दीवाना फिल्म में वो काम कर चुके थे और उनको लगता था कि शाहरुख खान इस फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। तब ऋषि कपूर की रिकमेंडेशन पर शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए कास्ट किया गया था और इस बात का जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड में किया है। नंबर 8, राइटर और फिल्म मेकर समर खान की बुक SRK 25 एट्स ऑफ लाइफ में आदित्य चोपड़ा ने बताया कि शाहरुख खान को इस फिल्म में कास्ट करके ना तो आदित्य चोपड़ा और ना ही उनके पिता यश चोपड़ा बहुत ज्यादा खुश थे। उस टाइम पे शाहरुख खान राकेश रोशन की फिल्म किंग अंकल की शूटिंग में व्यस्त थे, तो इन दोनों ने राकेश रोशन से रिक्वेस्ट की कि फिल्म किंग अंकल की कुछ क्लिप्स दिखाई जाएं, जिसको देखकर भी वो बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए थे, लेकिन ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए उन्हें कोई एक्टर मिल नहीं रहा था। इस वजह से वो दोनों तैयार हुए और शाहरुख खान को इस फिल्म में कास्ट करने के लिए मान गए। नंबर 9, फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी देओल अपने कैरेक्टर से खुश नहीं थे,
उन्होंने बोला कि यश चोपड़ा ने उन्हें जैसा कैरेक्टर पहले बताया था, अब ये कैरेक्टर उससे बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। इस बात पर सनी देओल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो यश चोपड़ा से ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि यश चोपड़ा एक सीनियर डायरेक्टर थे और फिल्म की मैक्सिमम शूटिंग के दौरान सनी देओल अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में ही रखा करते थे और साइड में रहते थे। एक बार तो शूटिंग के दौरान उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी जीन्स की पैंट की दोनों जेबें ही फाड़ दी थी। नंबर 10। इस फिल्म के बाद में सनी देओल ने कभी भी यश चोपड़ा प्रोडक्शंस में काम नहीं किया और शाहरुख खान के साथ भी उन्होंने ये पहली और लास्ट फिल्म की थी। और सनी देओल का गुस्सा यशराज पर इतना ज्यादा था कि यशराज फिल्म्स ने जब भी सनी देओल के बेटे करण देओल को बॉलीवुड में लॉन्च करने का ऑफर दिया तो सनी देओल ने यशराज फिल्म्स के ये ऑफर को ठुकरा दिया और सनी देओल ने अपने बेटे करण देओल को फिल्म पल पल दिल के पास से 2019 में ही बॉलीवुड में लॉन्च किया और इस फिल्म का डायरेक्शन खुद सनी देओल ने किया। नंबर 11। सनी देओल ने एक इंटरव्यू के दौरान इस फिल्म की शूटिंग में हुई यश चोपड़ा के साथ बहस के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में सनी देओल का कैरेक्टर एक कमांडो ऑफिसर के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन फिल्म के लास्ट सीन में शाहरुख खान सनी देओल को बहुत मारते हुए दिखाई देते हैं। इस सीन के लिए सनी देओल ने यश चोपड़ा को बोला था कि एक नॉर्मल आदमी एक कमांडो ऑफिसर को ऐसे कैसे मार सकता है, या तो असल में मेरा रोल कमांडो ऑफिसर वाला नहीं था, या फिर अगर मैं कमांडो ऑफिसर हूँ तो मुझे कमांडो ऑफिसर की तरह एक्शन करने दो। इसके लिए यश चोपड़ा और सनी देओल में काफी देर तक बहस हुई थी। नंबर 12। इस फिल्म में शाहरुख खान का फेमस डायलॉग आई लव यू किरण, इस डायलॉग को नसीरुद्दीन शाह की सन 1986 में आई फिल्म शर्त के एक डायलॉग से लिया गया था। नंबर 13। फिल्म में शाहरुख खान का कैरेक्टर एक जुनूनी पागलपन से ग्रसित दिखाया जाता है, जिसमें किसी दूसरे पर्सन को पाने के लिए ये बहुत ज्यादा पागलपन होता है और उस पर्सन को पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। सेम ऐसा ही जुनूनी पागलपन शाहरुख खान की अगली दो फिल्मों में भी हमें दिखाई दिया था। सन 1994 में आई फिल्म अंजाम और सन 2016 में आई फिल्म फैन में। नंबर 14। इस फिल्म में सबसे पहले शाहरुख खान ये नेगेटिव कैरेक्टर करने के लिए अपना मन नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में ही अगर वो इस तरीके के विलन के रोल प्ले करेंगे तो आगे भी हो सकता है कि इसी तरीके के रोल उन्हें मिले, क्योंकि एक और नेगेटिव कैरेक्टर वो साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर के लिए भी प्ले कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये रोल एक्सेप्ट किया और बाद में इस फिल्म ने उन्हें एक बड़ा स्टार बना दिया। और फिल्म के इतने बड़े हिट हो जाने के बाद आमिर खान को अपने फैसले पर पछतावा हुआ, क्योंकि वो इस फिल्म में शाहरुख खान वाला ही कैरेक्टर करने वाले थे, लेकिन वो शाहरुख खान वाले कैरेक्टर को कर नहीं पाए और आमिर खान के लिए शाहरुख खान को इस फिल्म ने बड़ा तगड़ा कॉम्पिटिटर बना दिया। नंबर 15। इसी तरह पहले लीड एक्ट्रेस के लिए रवीना टंडन पहली चॉइस थी, जो कि यश चोपड़ा के साथ 1994 में आई फिल्म परंपरा में भी काम कर चुकी थी, लेकिन इस फिल्म के कुछ सपोर्टिंग सीन और कुछ वायलेंट सीन की वजह से उन्हें ये रोल पसंद नहीं आया और उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। बाद में इस रोल के लिए कास्ट किया गया था दिव्या भारती को, लेकिन वो भी इस फिल्म में काम नहीं कर पाए और फाइनली लीड एक्ट्रेस के लिए जूही चावला को कास्ट किया गया। नंबर 16। फिल्म के एक गाने तू मेरे सामने में शाहरुख खान हमें एक शर्ट पहने हुए दिखाई देते हैं, वही शर्ट हमें फिल्म बाजीगर के गाने बाजीगर ओ बाजीगर के कुछ सीन्स में वो पहने हुए हैं और इसी गाने में जूही चावला की ड्रेस काफी कुछ मिलती है। श्रीदेवी की फिल्म चांदनी में पहनी हुई वो दिखाई देती है, जो कि सन 1989 में रिलीज हुई थी और इसमें जूही चावला ने भी एक कैमियो रोल प्ले किया था। नंबर 17। फिल्म डर बॉलीवुड हिस्ट्री की कुछ ऐसी रेयर फिल्मों में से एक है जिसमें विलन के रोल को हीरो के कंपैरिजन में ज्यादा सराहना मिली थी और ये शाहरुख खान की यश चोपड़ा के साथ पहली फिल्म थी। इसके बाद वो काफी सारी सुपरहिट फिल्मों में साथ में काम कर चुके हैं, जैसे दिल तो पागल है, वीर जारा और जब तक है जान। नंबर 18। इस फिल्म का एक गाना इश्क दा बुरा रोग, इसका वीडियो शूट नहीं हो पाया था क्योंकि उस टाइम पर सनी देओल अपनी फिल्म घातक की शूटिंग में बिजी थे। नंबर 19। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर सेम कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया, इन्होंने इस फिल्म में लास्ट बार किसी फिल्म में म्यूजिक दिया था। इसके बाद उन्होंने आज तक किसी फिल्म के लिए म्यूजिक नहीं दिया, वो केवल लाइव स्टेज परफॉर्मेंस किया करते हैं। हालांकि डर फिल्म के पहले वो काफी सुपरहिट फिल्मों में म्यूजिक दे चुके हैं, जैसे कि
सिलसिला, चांदनी, लम्हे, परंपरा और साहिबान। नंबर 20, फिल्म डर का रीमेक सन 2000 में कन्नड़ लैंग्वेज में प्रीत सिंह नाम से बनाया गया था और इस फिल्म में हमें जूही चावला की जगह सोनाली बेंद्रे नजर आई थी और सन 1996 में आई एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी जो डर फिल्म से इंस्पायर्ड थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपने डर फिल्म देखी है तो बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।